डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ट्वेल्थ क्लास में केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर को शुरू किए हैं, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, पिछले दिन हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में उसके आयुर्वेदिक नाम को पढ़ा था। चलिए अब हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का गुण क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग क्या है ना, उसकी अभिक्रिया को देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग टॉपिक बनाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हम लोग टॉपिक देंगे। ठीक है, उसके पहला में लिखेंगे, फर्स्ट में निर्माण के बारे में। फर्स्ट में लिखा जाए निर्माण। ठीक है, अब निर्माण में लिखा जाएगा, निर्माण कितने तरीके से भी हो सकते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो निर्माण है वो मुख्यतः दो तरीके से होता है। तो ए नंबर लिखा जाए, जब एमाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। देख लो भाई, निर्माण इसका दो तरीके से होता है। पहला में हमको इसको देख रहे हैं कि जब एमाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। इसके रूल्स में हम थोड़ा देख लेते हैं। रूल बोला R3OONH2, यही होता है हम लोगों का एमाइड। इसके साथ वाटर का रिएक्शन देखते हैं, यानी इसको जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनेगा। तो ये हम लोगों को बनेगा RCOH, यही ना कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, और प्लस में NH3 बाहर होगा, जिसको बोलते हैं एमीन। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण में जब एमाइड को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, जैसे मान लिया CH3 है, NH2 है। देख लीजिए एमाइड का फार्मूला क्या होता है, R मतलब कार्बन चेन, और कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, फिर NH2, ठीक है, जिसको अमाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे R का मतलब कितना भी कार्बन का चेन हो गया। ठीक है, कार्बन चेन जिसको बोलते हैं अमाइड। अब यहाँ पे अमाइड है, अमाइड में R की जगह पे हम CH3 रख दिए, प्लस H2O, ठीक है, वाटर। इसके साथ अगर बात करें तो क्या बनेगा, तो ये CH3 का CH3, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये NH2 हटेगा, यहाँ से OH जुड़ेगा और NH3। देख रहे हैं COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम लोगों को कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है जब अमाइड को, ध्यान रखिएगा, वाटर के साथ, जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। दूसरा रिएक्शन, इस बार हम CH3, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ, NH2। ये भी दोस्तों हम लोगों का अमाइड हुआ। ठीक है, ये अमाइड हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे
कार्बन चेन है, आर कार्बोनिल मूलक सी डबल ओ, ठीक है, और NH2। इसके साथ वाटर का अभिक्रिया H2O क्या बनेगा देखिए। तो यहाँ पे CH3, ये वाला CH3, CH2, ठीक है, और सी डबल बॉन्ड ओ और OH, ये तो हम लोगों को कार्बोक्सिलिक मूलक कहलाता है, COOH कार्बोक्सिलिक मूलक, ठीक है। और प्लस में क्या बाहर होगा, तो NH3 हम लोगों को बाहर होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हम लोगों का निर्माण हुआ। तो पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखिएगा, जब अमाइड को वाटर के साथ, जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जब एमाइड को वाटर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों को कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। दूसरा यानी बी नंबर अभिक्रिया लिखा जाए, बी नंबर निर्माण लिखा जाए कि बी नंबर का निर्माण कैसे होता है, तो बी में लिखा जाए, जब एसिटल क्लोराइड, जब एसिटल क्लोराइड, फार्मूला क्या होता है, CH3COCl, ये हुआ हम लोगों का एसिटल क्लोराइड, ठीक है। जब एसिटल क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। एसिटिक अम्ल का ब्रैकेट लिख लीजिएगा CH3COOH, जो कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल में ही आता है, जो किस में आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में आता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है COOH, ठीक है, COOH, क्लियर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे कि आखिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता कैसे है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, जब एसिटल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CH3COCl, को वाटर के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, और ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। चलिए इसके नीचे रिएक्शन देख लेते हैं, CH3COCl, ये हुआ क्या, ये हुआ एसिटिल क्लोराइड। इसका रिएक्शन अगर वाटर के साथ देखते हैं, H2O के साथ, ठीक है, जब इसका रिएक्शन वाटर के साथ अगर रिएक्शन देखते हैं तब हम लोग क्या बनता है देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को बनेगा एसिटिक अम्ल CH3COOH, जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की कैटेगरीज में आता है, क्योंकि COOH जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक मूलक, ठीक है। तो और बाकी यहाँ पे बाहर क्या होगा, CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को बाहर हो जाएगा CH3COOH, तो यहाँ से बाहर हो जाएगा हम लोगों को HCl, ठीक है, HCl। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये भी एक तरीके का कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बना। इसलिए अगर कहीं भी अगर पूछता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण आप कैसे करेंगे, तो आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, कि या तो अमाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराकर भी बना सकते हैं, या फिर एसिटिल क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया कराकर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे सेकेंड नंबर में गुण के बारे में। पहला में हम लोग देखें
निर्माण, दूसरा में लिखा जाए गुण, ठीक है। गुण में लिखा जाए एरो देकर कार्बोक्सिलिक अम्ल के निम्नलिखित गुण है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के निम्नलिखित गुण है, पहला इस अम्ल के श्रेणी में C10, हम बताते हैं C10 क्या है, सी लिखकर नीचे 10 लिखिएगा। इस अम्ल के श्रेणी में C10 तक तीव्र गंध होते हैं, बल्कि इसके आगे के अम्ल कम गंध युक्त होते हैं, दूसरा लिखा जाए इनका क्वथनांक का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक, ठीक है। इनका क्वथनांक एल्डिहाइड कॉमा कीटोन तथा अल्कोहल इनके क्वथनांक एल्डिहाइड कॉमा कीटोन तथा अल्कोहल के अपेक्षा उच्च होता है, तीसरा लिखा जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच हाइड्रोजन बंधन मौजूद होते हैं। चौथा लिखा जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल में मेथेनोइक तथा एथेनोइक अम्ल लेकिन जल में पूर्णतः घुल जाता है, लेकिन इसके और प्रकार जल में अघुलनशील होते हैं, इसके और प्रकार जल में अघुलनशील होते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुण के बारे में। तो इसका जो पहला गुण ये है कि इस अम्ल के श्रेणी में कार्बन 10, देखिए जैसे हम क्या बोले कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो जनरल फार्मूला होता है वो COOH यही होता है। अब इस R के जगह पर क्या मतलब समझते हैं, इस R का मतलब समझते हैं कार्बन का चैन, ठीक है। R के जगह पर क्या समझते हैं, कार्बन का चैन। अब ये कार्बन के चैन कितना तक भी हो सकता है, C10, C12, यानी कि इस R के जगह पे कितना भी कार्बन का चैन हम लोग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर C का 10 तक के लिया जाता है तो उसमें तीव्र गंध पाया जाता है,
लेकिन इससे ज़्यादा का अगर लिया जाए तो इससे गंध जो है कम पाया जाता है। तो याद रखिएगा पहला गुण में कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो कार्बन 10 तक के जो गंध है वो ज़्यादा तीव्र पाया जाता है, लेकिन कार्बन 10 से यानी कि 10 कार्बन से ज़्यादा अगर लिया जाए तो उसमें जो गंध हो जाती है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, उसमें जो गंध की मात्रा हो जाती है वो कम होती है। उसके बाद बात की दूसरा नंबर में हम लोग लिखे होंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्वथनांक है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उबालने वाला बिंदु, उबालन बिंदु जिसको बोल सकते हैं, वो एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल तीनों की अपेक्षा उच्च होता है। ध्यान दीजिएगा, तीनों की अपेक्षा उच्च हो जाता है यानी कि हाई हो जाता है। ठीक है, फिर तीसरा में कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच हाइड्रोजन बंधन उपयुक्त होते हैं। याद रखिएगा कि एक बंधन होता है जो हम लोग 11th क्लास में भी पढ़े हैं, हाइड्रोजन बंधन। अब हाइड्रोजन बंधन क्या है, तो हाइड्रोजन बंधन का मतलब होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बंधन। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर मौजूद होता है हाइड्रोजन बंधन। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बंधन को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको हाइड्रोजन बंधन। तो या ये भी याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोजन बंधन मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए फिर तीसरा में तो हाइड्रोजन बंधन मौजूद है, चौथा में लिखे होंगे कि जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उसमें से मात्र दो ही कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो ही प्रकार, एक का नाम है मेथेनोइक अम्ल और एक का नाम है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो मेथेनोइक और एथेनोइक अम्ल ही जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, यानी कि जल में पूरी तरीके से घुलने वाला कौन है, तो मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल। जबकि अगर बात करें कि इसको छोड़ करके जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो कभी भी जल में नहीं घुलते हैं, इसलिए बोला गया कि वे अघुलनशील हैं। वे क्या है, अघुलनशील हैं। तो ये गुण था। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर पर लिखते हैं अभिक्रिया के बारे में। किसका अभिक्रिया भाई, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अभिक्रिया। ठीक है, तो अब कार्बोक्सिलिक अम्ल मेरा फिक्स रहेगा और इसके साथ हम लोग अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर अभिक्रिया PCl5, इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फिर PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फिर SOCl2 सल्फर ऑक्सीडाइक्लोराइड, सल्फर ऑक्सीडाइक्लोराइड के साथ। यानी कि इस बार जो हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का अभिक्रिया जो देखने वाले हैं वो किसके साथ, PCl5 के साथ या PCl3 के साथ या फिर SOCl2 के साथ। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, सल्फर ऑक्सीडाइक्लोराइड के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ तो फिर हम लोग क्या क्या बनता है। ठीक है, चलिए उसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को PCl5 या PCl3 या SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एसिड क्लोराइड ध्यान दीजिएगा, एसिड क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, RCOCl एसिड क्लोराइड का निर्माण होता है। चलिए हमेशा देख लीजिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब PCl5 के साथ कराया जाए,
PCl3 के साथ कराया जाए, SOCl2 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड के साथ। ठीक है, क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन, सॉरी एसिड क्लोराइड रिएक्शन करके बनेगा। कब, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को PCl5, PCl3, SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। जैसे रूल में देख लेते हैं, फर्स्ट रूल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या है, RCOOH, इसके साथ PCl5 का अगर रिएक्शन देखेंगे तो क्या बनेगा, तो इसमें बनेगा RCOCl, ठीक है, प्लस POCl3 प्लस HCl। तो याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को PCl5 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, RCOCl POCl3 HCl। ठीक है, ये तीन ठो हम लोगों को प्रोडक्ट बनेगा। हालांकि इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोगों का RCOCl। ठीक है, RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl, क्लियर। चलिए दूसरा में हम लोग देख लेते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा COOH और PCl3 रहेगा, ठीक है, तब हम लोगों को क्या बनेगा, तब हम लोगों को बनेगा RCOCl। ठीक है, एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड हमेशा बनेगा, चाहे PCl3 बने के रहे या फिर PCl5 रहे, हमेशा एसिड क्लोराइड ही बनना है, RCOCl जिसका फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे बाहर हो जाएगा POCl प्लस HCl, ठीक है, ये भी एसिड क्लोराइड ही है। अच्छा, तीसरा हम लोग देखें कि इस बार कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा COOH, ठीक है, इसके साथ सल्फर ऑक्सीड डाइक्लोराइड रहेगा SOCl2, तो क्या बनेगा, RCOCl SO2 HCl। ठीक है, अब इस पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लिया CH3 CH2 COOH है, इसके साथ हम लोग PCl3 का रिएक्शन आ गया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम क्या बोले कि RCOOH रहेगा PCl3 के साथ, तो R के साथ COCl जुड़ जाएगा, तो R तो यही ना कार्बन का चैन, CH3 CH2 COCl। ठीक है, CH3 CH2 COCl, ठीक है, और इसके साथ और क्या बाहर होगा, तो POCl बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो POCl, अगर PCl5 के साथ करते तब POCl3 बनता, POCl प्लस HCl HCl। तो ये किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो PCl3। तो दोस्त इसी का रिएक्शन यानी कि CH3 CH2 COOH और इसका रिएक्शन आप PCl5 के साथ खुद से कर लीजिएगा कि क्या बनेगा, किस रूल पे, तो रूल नंबर 1 RCOOH PCl5। तो यहाँ R के जगह पे क्या रखिएगा, कार्बन चैन CH3 CH2। ये एग्जांपल पहला, दूसरा, तीसरा एग्जांपल अगर रहेगा CH3 CH2 COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसके साथ रिएक्शन अगर सल्फर ऑक्सीड डाइक्लोराइड रहेगा तो क्या बनेगा, ये दोनों रिएक्शन को आप खुद कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग देखें कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुण के बारे में, अभिक्रिया के बारे में, ठीक है, और इसके निर्माण के बारे में। तो अभिक्रिया भी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभिक्रिया का नंबर ये भी हम लोग किए हैं PCl5 PCl3 और SOCl2 के साथ, और बाद बाकी जो अभिक्रिया बच रहा है उसको हम लोग अगले दिन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।